मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव बदलाव कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। एमपी में चुनाव के रंग अब दिखने लगे हैं। कोई प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए भीड़ का सहारा ले रहा है, वहीं कुछ प्रत्याशी भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा ही छतरपुर के बिजावर सीट से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र नाथ पाठक भी इन्हीं भावनाओं के दम पर फिर चुनाव जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी की ऐसी ही भावना लोगों को आकर्षित कर रही है। इन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर में कसम खाई है कि वह जब तक चुनाव का निर्णय नहीं आ जाता तब तक उपवास करेंगे और नंगे पैर ही अपना चुनाव प्रसार करेंगे। ऐसा इसलिए कि पिछला चुनाव भी पुष्पेंद्र पाठक ने अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की दम पर जीता था, लेकिन इस बार कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं और उन्होंने 5 साल तक अपने कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली, जिससे कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में उनसे कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी प्रत्याशी परेशान हैं। इसीलिए उन्होंने यह संकल्प लिया है, जिससे यह सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान ईशानगर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती तक उनका नाम भूल गई। विधायक बनना अपनी जगह है, विधायक तो हम बनेंगे ही। कार्यकर्ता पूरे तन मन और धन से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम भारतीय जनता पार्टी की है। पिछले कुछ समय में यह हुआ कि कार्यकर्ताओं की वजह से उनके मन में कहीं आक्रोश था, उनसे मिलना जुलना नहीं हो पाया। इस बात को लेकर उनके मन में जो आक्रोश था, मैं सबसे मिल नहीं पाया। इसलिए हमने ये तय किया कि सभी कार्यकर्ताओं तक यदि हम नहीं पहुंच पा रहे तो मैं स्वयं प्राश्चित करके भगवान जटाशंकर के सामने मैंने ये बात कही है कि मैं चुनाव संपूर्ण होने तक अपने पूरे कार्यकर्ताओं के प्रति अपना प्राश्चित व्यक्त करते हुए अन्न ग्रहण नहीं करूंगा।
जूते चप्पल ग्रहण नहीं करूंगा, चाय ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बसंती तुम्हारा नाम क्या है वाला मामला है, क्योंकि हम इसको गुड्डन के अलावा तो जानते ही नहीं है। बहुत पहले से मेरे संपर्क करे, गुड्डन मुझे बिल्कुल भूल जाता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दीदी अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।